नमस्कार दोस्तों, आज हम डोमस्टाल बेबी ड्रॉप और डोमवेस बेबी ड्रॉप के बारे में बात करेंगे। जो अगर बच्चों को नोजिया हो रहा है या फिर उसे वोमिटिंग हो रही है या फिर उसे इनडाइजेशन का प्रॉब्लम है बच्चों को, तो उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये है डोमस्टाल बेबी ड्रॉप। ये टोरेंट कंपनी मैन्युफैक्चर करता है और इसकी प्राइस है 69 रुपीज़। यहाँ पर देख सकते हैं डोम पेरीडोन ओरल ड्रॉप्स। ये इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है डोम पेरीडोन 10 mg में डाला गया है। ठीक है, अब हम इसे निकाल के देखते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डेलीशियस स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में अवेलेबल रहता है, तो उसकी वजह से बच्चों को ये पीने में काफ़ी आसानी रहती है। तो कुछ इस तरह का पैकिंग आता है ये डोमस्टाल बेबी ड्रॉप का। आपको कभी ना कभी डॉक्टर ने ये लिखा ही होगा बच्चे के लिए, अगर उसे उल्टी हो रही है, ठीक है, नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, ठीक है, तो और उसके साथ में ये ड्रॉपर भी आता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि ये डोम पेरीडोन टेबलेट जो ड्रॉप्स है वो किस तरह से काम करता है, तो उसकी जिसकी वजह से नोज़िया वोमिटिंग बच्चों को स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो डोम पेरीडोन जो दवाई है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे ब्रेन में जो उस पार्ट में जो पार्ट वोमिटिंग रेगुलेट करता है, तो उसकी वजह से वोमिटिंग स्टॉप हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट एक्टिंग ऑन द पार्ट ऑफ अ ब्रेन विच रेगुलेट द वोमिटिंग, इस तरह से ये वोमिटिंग को स्टॉप करता है। और दूसरा डोमपेरिडोन क्या करता है कि डोमपेरिडोन हमारा जो इंटेस्टाइन होता है और स्टोमक होता है उसका मूवमेंट बढ़ा देता है, तो उसकी वजह से इंटेस्टाइन में और स्टोमक में से फूड को पास होने में आसानी रहती है और उसकी वजह से जो इनडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये डोम पेरीडोन ड्रॉप से वो इनडाइजेशन में भी यूज़ होता है। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं वो है डोम वेस बेबी ड्रॉप। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें भी डोम पेरीडोन ही है और ये भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में अवेलेबल है और ये मैनकाइंड कंपनी मैन्युफैक्चर करता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस ड्रॉप की प्राइस देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 49 रुपीज़ है, और इसे हम निकाल के देखते हैं तो ये कुछ इस तरह के पैकिंग में आता है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में डोमवेस बेबी ड्रॉप। ठीक है, और इसके साथ में भी ये ड्रॉपर अवेलेबल रहता है। तो दोस्तों ये दोनों ही ड्रॉप अलग अलग ब्रांड के हैं, लेकिन ज़्यादातर जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं वो है डोमस्टाल बेबी ड्रॉप। ये पुराना और काफ़ी भरोसेमंद ब्रांड है बच्चों के लिए। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं इसका डोज किस तरह से देना है बच्चों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लिखा ही होता है जो ड्रॉपर आता है उसके साथ में, अगर आपके बच्चे की 6 महीने से 12 महीने तक है तो इसको आपको 0.25 ml ड्रॉप्स देने हैं, और अगर 13 से 18 महीने का बच्चा है तो उसे 0.30 ml डोज देना है ड्रॉपर से। ठीक है, और अगर 19 से 24 महीने का बच्चा है तो उसको 0.35 ml ड्रॉप देना है। ठीक है, तो इस तरह इसका डोसेज देना है, और ये जो ड्रॉपर है वहाँ पे इसमें ml भी मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.1 ml, 0.2 ml, 0.3 ml, 0.4 ml, तो इसे मेज़र करके आप बच्चों के उम्र के हिसाब से इसको डोज दे सकते हो, जब भी उल्टी हो या फिर नोज़िया वोमिटिंग हो तब। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो ये डोमस्टाल बेबी ड्रॉप है, डोम पेरीडोन बेबी ड्रॉप, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है, उसकी वजह से बच्चे को डायरिया हो सकता है, क्योंकि ये जो डोम पेरीडोन है वो इंटेस्टाइन और हमारे आंतों की मूवमेंट बढ़ा देता है, तो उसकी वजह से बच्चे को डायरिया कभी हो सकता है। अगर ये ज़्यादा हो जाए या इसका ओवर डोज हो जाए तो भी इसकी वजह से डायरिया का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर इसकी वजह से बच्चों को हेडेक का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ डोम पेरीडोन ड्रॉप्स के साइड इफ़ेक्ट है, जो अगर आपको इसके ऐसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये थी जानकारी डोमस्टाल बेबी ड्रॉप एंड डोमवेस बेबी ड्रॉप के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।